कराची से खैबर तक के अखबार में खुशामदीद, शामिल करेंगे हेडलाइंस। मंडी भाउदीन में कमरे में जनरेटर का धुआं भरने से दुल्हा दुल्हन जंबहक हो गए, खुशियों वाला घर मातम कदा बन गया। गुजरावाला में घरेलू झगड़े पर तैश में आकर बीवी ने ईंटों के वार करके शौहर को कत्ल कर दिया, पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। नारोवाल में बच्चा अगवा करने वाला शख्स आवाम के हत्थे चढ़ गया, लोगों ने खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया, बच्चे को स्कूल जाते हुए अगवा करने की कोशिश की गयी। रोजान टीएचक्यू अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से नौमौलूद बच्ची जांबहक हो गई, बुरसा सराफा एहतजाज, डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। पाकपतन में पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया जबकि दो फरार हो गए, मारा जाने वाला डाकू कत्ल और डकैती समेत दीगर संगीन वारदातों में मतलूब था, पुलिस ने असलहा और माल मसरूका बरामद कर लिया है। दरियाए चनाब का मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाकों में कटाव शिद्दत अख्तियार कर गया, जिले इंतजामिया के दावे रेत की दीवार साबित हुए, सैलाबी पानी के रेले से मुतअद्दिद बस्तियां जेरे आब आ गईं, मकीनों की जानिब से नकल मकानी का सिलसिला जारी है। भावलपुर में बासर पानी चोरों ने महकमा इनहार के अफसरान और अहलकारों को तशद्दुद का निशाना बना डाला, सूबाई वजीर की मुबैना पुश्तनाही पर पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है, मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद पंजाब में सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए, स्कूलों कॉलेजों की रौनकें बहाल हो गयी। एक माह गुजर गया, सखर में पसंद की शादी करने वाला नौजवान ताहाल बाजियाब ना हो सका, मुखबी की बीवी का एहतजाजी मुजाहरा, हुकाम से फौरी बाजियाबी का मुतालिबा। लाड़काना के म्यूनिसिपल कारपोरेशन में नामालूम अफराद रिकॉर्ड रूम में आग लगाकर फरार हो गए, आतिशबाजी के बाइस तमाम रिकॉर्ड जलकर खाकिस्तर हो गया, पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि आग जानबूझकर लगाई गई, तहकीकात जारी है। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है साकी, हैदराबाद में आठवीं जमात के तालिबेल ने 3 इंच की साइकिल बना डाली, हारून बलोच की ख्वाहिश है कि इसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। मानसेरा में सयाहों की कार खाई में जा गिरी, हादसे के नतीजे में गैर मुल्की खातून समेत 4 अफराद जांबहक हो गए। नौशहरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर खवातीन की वीडियोस अपलोड करने और उन्हें ब्लैकमेल करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है, मुल्जिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी तश्कील दे दी गई है। सोबतपुर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अकबर खान कोसो की इमारत महकमा तालीम की अदम तवज्जो के बाहर खंडरात का मंजर पेश करने लगी, तुलबा खौफ के साए तले तालीम हासिल करने पर मजबूर है। हेडलाइंस आपने जानी, शामिल करेंगे पंजाब भर से खबरें। मंडी भाउदीन में अफसोसनाक वाकया पेश आया, मंडी भाउदीन में कमरे में जनरेटर का धुआं भरने से दुल्हा दुल्हन जांबहक हो गए जिससे खुशियों वाला घर मातम कदा बन गया। मंडी भाउदीन में शादी वाला घर शोक में डूब गया,
नवाही इलाके खटियाला सहिदा में लोड शेडिंग के बाईस शादी वाले घर लाया गया जनरेटर दुल्हा दुल्हन के लिए मौत का परवाना साबित हुआ। दुल्हा दुल्हन के कमरे में जनरेटर का धुआं भरने से दोनों जांबहक हो गए। दुल्हा दुल्हन के जांबहक होने पर शादी वाले घर समेत पूरा इलाका सोग में डूब गया। दुल्हा दुल्हन के अजीजों अकारिब दाढ़ी मार मार कर रोते रहे। शादी वाले घर में दावत वलीमा के बजाय दुल्हा दुल्हन की मौत से हर आंख अश्कबार नजर आई। दोनों की लाशें DHQ मुंतकिल कर दी गई हैं। गुजरावाला में घरेलू झगड़े पर तैश में आकर बीवी ने ईंटों के वार करके शोहर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। बागबानपुरा के इलाके इब्राहिम टाउन के रिहायशी चार बच्चों के बाप इशफाक का किसी बात पर अपनी बीवी नसीम अख्तर के साथ झगड़ा हो गया, जिस पर तैश में आकर बीवी ने ईंटें बरसाना शुरू कर दी। ईंटें सर में लगने से इशफाक मौके पर ही दम तोड़ गया। वाकई की इतला मिलते ही थाना बागबानपुरा पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुलजिमा नसीम अख्तर को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नारोवाल में बच्चा अगवा करने वाला शख्स आवाम के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चे को स्कूल जाते हुए अगवा करने की कोशिश की गई थी। नारोवाल थाना सदर के करीब पागल किस्म के नौजवान ने बच्चे को अगवा करने की कोशिश की तो उसने शोर मचा दिया, जिस पर अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़ लिया और खूब तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चे का कहना था कि वो स्कूल जा रहा था कि मुलजिम ने उसे स्कूल तक छोड़ के आने पर इसरार किया। इनकार पर उसने दबोचने की कोशिश की, जिस पर शोर मचाकर जान बचाई। दूसरी जानिब पुलिस मुलजिम को जहनी मरीज करार दे रही है। ताहम पुलिस का कहना है कि मजीद तहकीकात के बाद हकायक सामने आ जाएंगे। डेरा गाजी खां में अगवाकारों ने पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से खौफजदा होकर मुगवी बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया। डेरा गाजी खां के टीचिंग अस्पताल में अगवाकारों ने मरीज के पास सवाहिकीन के ना होने का फायदा उठाते हुए नौमौलूद को अगवा तो कर लिया। इतला मिलने पर पुलिस की जानिब से बरवक्त कार्रवाई की गई। DPO डेरा की हिदायत पर DSP सिटी सर्कल और SHO थाना सिविल लाइन की सरबराही में इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। अस्पताल में CCTV कैमरा न होने के बायस तहकीकात के हवाले से कुछ भी ना किया जा सका। लोगों और रिक्शा ड्राइवर से भी पूछगिछ की। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई से खौफजदा होकर अगवाकारों ने मुगवी बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया। तहां पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। रोजान DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से नौमौलूद बच्ची जांबहक हो गई। वर्सा सरापा एहतजाज बन गए। रोजान DHQ अस्पताल में नौमौलूद बच्ची जेरे इलाज थी। अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत के बाईस बच्ची जांबहक हो गई। वर्सा और अहले इलाका ने मेन रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। वर्सा का कहना था कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट बच्ची का अस्पताल में इलाज करने की बजाय उन्हें प्राइवेट इलाज कराने पर मजबूर करता रहा। इसी दौरान बच्ची दम तोड़ गई। मुजाहिरी ने जिम्मेदार डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है। पाकपतन पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया जब उसके दो साथी फरार हो गए। पुलिस ने असलहा समेत लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया है। पाकपतन थाना सदर के इलाके होता रोड पर एक नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि तीन नामालूम मुसल्ला डाकू उससे मोटरसाइकिल छीनने के बाद फरार हो गए। वारदात की इतला पर पुलिस ने नाका मोटरसाइकिल पर जा रहा मोटरसाइकिल को रोका, जिस पर मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक जबकि इसके दो साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मारे जाने वाले डाकू को शनाख्त इकबाल उर्फ बाली कुम्हार के नाम से हुई है और वो कत्ल और डकैती समेत दीगर संगीन वारदातों में इंतहाई मतलूब था। पुलिस ने असलहा और छीनी गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाकों में कटाव शिदत अख्तियार कर गया है। जिले इंतजामिया के दावे रेत की दीवार साबित हुए। सैलाबी पानी के रेले से मुतअद्दिद बस्तियां जेरे आब आ गई हैं और मकीनों की जानिब से नकल मकानी का सिलसिला जारी है। मुजफ्फर
मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाकों में दरियाए चनाब का कटाव शिद्दत इख्तियार करने से जिला इंतजामिया के दावे रेत की दीवार साबित हुए हैं। दो रोज कबल दरियाए चनाब में आने वाले सैलाबी रेले का पानी मुरादाबाद बस्ती जड़ और करीबी बस्तियों में दाखिल हो गया। सैलाब से निपटने के मुनासिब इंतजाम न होने के बाद सैकड़ों एकड़ अराजी जेरे आब आ गयी। खड़ी फसलों और आम के बागात को भी शदीद नुकसान पहुँचा, जबकि मुतादिद बस्तियों का जमीनी रास्ता मुनकता हो गया, जिससे मुकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सैलाब के बाद भी इंतजामिया को होश नहीं आया। इलाका वकीलों को मुतासरा इलाकों से निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए, जबकि मुतासरा इलाके में वबाई अमराज फूटने का भी खदशा है। शकरगढ़ में भारत से आने वाले सैलाबी रेले ने मुतादिद इलाकों में तबाही मचा दी है। दरियाई कटाव में इजाफा होता जा रहा है। भारत से आने वाले सैलाबी रेले ने शकरगढ़ के सरहदी इलाके घरोटा में तबाही मचा दी है। बड़े पैमाने पर जरई अराजी को भी नुकसान पहुंचा और खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। अहले इलाका का कहना है कि दरियाई कटाव में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई अमली इकदाम नहीं किए गए। अहले इलाका ने वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि मामले का नोटिस लेते हुए सैलाब की तबाहकारियों को रोकने के हंगामी इकदाम किए जाएं। कसूर के कई इलाकों में सीवरेज के नाकिस इंतजामात और सड़कों की टूट फूट के बायस आवाम सख्त अजियत से दोचार हैं। जिले इंतजामिया ख्वाब गफलत से ना जा सकी। कसूर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें गुलबर्ग कॉलोनी, कादरी विंग और कचहरी रोड शामिल हैं, सीवरेज के नाकिस इंतजामात और सड़कों की टूट फूट के बायस यहां पानी खड़ा रहता है। सड़क और सीवरेज लाइन टूटी हुई है, जिसकी वजह से इलाके में गंदगी फैल रही है। सड़क पर खड़ा हुआ सीवरेज का गंदा पानी मच्छर और दीगर बीमारियां पैदा करने का सबब बन रहा है। इस इलाके से आवाम का गुजरना चैलेंज बन गया है और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि कई दफा इंतजामिया को तहरीरी तौर पर इलाके की सूरत हाल से आगाह किया है, मगर इंतजामिया नाअहली का सबूत देते हुए खामोश तमाशाई बनी हुई है। इलाके में सफाई न होने की वजह से बेपनाह बीमारियां जन्म ले रही हैं। उन्होंने इल्जाम आई किया कि इंतजामिया करोड़ों के फंड हड़प कर लेती है और अपने दफातर में बैठना ही गवारा नहीं करती। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। भावलपुर में बासर पानी चोरों ने महकमा इनहार के अफसरान और अहलकारों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सूबाई वजीर की मुबैना पुष्पनाही पर पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है। भावलपुर में हुकूमती जमात का बासर कारकुन नहर से पानी चोरी कर रहा था कि एसडीओ और महकमा इनहार के अहलकार मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई करनी शुरू कर दी। इस दौरान बासर शख्स चौधरी नजर ने अपने साथियों के हमरा मुलाजमीन को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। दूसरी जानिब इतला पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सूबाई वजीर इकबाल चनड़ की इमा पर पुलिस ने भी कार्रवाई से इनकार कर दिया। पुलिस ने नारवा रवैये के खिलाफ महकमा इनहार के मुलाजमीन के एहतजाज का मुजाहरा किया है। मुजाहरीन ने मुतालबा किया है कि वजीर आला पंजाब पानी चोरों और उनकी पुष्ट पनाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। इस मौके पर मुलाजमीन ने सूबाई वजीर इकबाल चनड़ और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजाहरीन का कहना था कि जब तक पुलिस पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी उनका एहतजाज जारी रहेगा। नाज़रीन, भावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एमएस की मौतली के खिलाफ एहतजाज जारी है। एमएस कांगू वायरस में हलाकतों के बाद मौतल किया गया था। मुजाहिरीन ने क्या मुतालबात किए जानते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज अकबर जकफरी से। जी अकरम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी, इस वक्त विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टर्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और उनका एहतजाज ये है कि कांगू वायरस केस में जो एमएस को मौतल किया गया था उसके बहाल होने तक उनका कहना है कि यह एहतजाज जारी रहेगा। और मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त जो विक्टोरिया अस्पताल की ओबीडी और इमरजेंसी बंद है, मरीजों को सख्त परेशानी का सामना है। अगर यही सूरत हाल रही, वो सीरियस मरीज जो इस वक्त आ रहे हैं और डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर रहे तो उनकी भी मौत वाकई हो सकती है। तो फौरी तौर पर वजीर आला पंजाब को इसका नोटिस लेना चाहिए और इस एहतजाज को खत्म कराना चाहिए। अकरम जफरी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद पंजाब में सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए हैं। स्कूल कॉलेजेस की रौनकें भी बहाल हो गई। पहले रोज तालीमी इदारों में तुलबा की हाजिरी मामूल से कम रही।
पंजाब में मौसम गर्मा की ढाई माह से जायद की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। तवील छुट्टियां गुजारने के बाद बच्चे उदास चेहरे लिए स्कूल आते दिखाई दिए, जबकि छुट्टियों के बाद पहले रोज स्कूलों में तलबा की हाजिरी मामूल से कम रही। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे गर्मियों की छुट्टियों के सिलसिले में 25 मई से 14 अगस्त तक बंद किए गए थे। स्कूल खुलने से गलियों, बाजारों, सड़कों और तालीमी इदारों की रौनकें लौट आईं। बच्चे स्कूल वैन, बसों और वालिदैन के हमरा स्कूलों को जाते नजर आए। सरकारी और निजी तालीमी इदारों के बाहर तलबा तालिबात वालिदैन का रश भी रहा। महकमा तालीम ने स्कूलों की सफाई के इंतजाम के लिए अमले को एक दिन पहले ही तलब कर लिया था, जबकि तातीलात के बाद तालीमी इदारे खुलने पर सिक्योरिटी इंतजाम को बेहतर। मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने पर निजी व सरकारी तालीमी इदारे आज से दोबारा खुल गए और इल्म के परवानों ने हुसूल इल्म के लिए अपने अपने मादरे इल्मी का रुख किया। मुल्तान के तालीमी इदारों में तदरीसी अमल का आगाज मुल्क की तरक्की और इस्तेकाम के लिए खसूसी दवाइया तकरीब के साथ हुआ। स्कूल असम्बली में साना कोटा के शोधा के लिए फातह खानी कराई गयी, जबकि स्कूल सरबराहान और उस्तादा ने तलबा को खुश आमदेद कहने के साथ साथ नज्म व ज़ब्त अपनाने और बेहतरीन तालीमी नतायज के लिए मेहनत करने की तलकीन की। आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 अगस्त को दोबारा स्कूल तातीलात के बाद खुल चुका है और सुबह से ही बच्चे जोगदा जोग इन टाइम जो है वो स्कूल आए। वो बाकायदा असम्बली की गई और असम्बली में जो है शोधा के लिए दुआ की गई, उम्र की इस्तकामत के लिए दुआएं की गई। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम देखने को मिले, जबकि एक रोज कबल जश्न आजादी भरपूर तरीके से मनाने वाले बच्चे बड़ी तादाद में पहले रोज स्कूल हाजिर हुए और मुल्क की तरक्की के लिए हसूल इल्म को जीना बनाने के अज़्म का इजहार किया। कैमरा मैन फयाज वागा के साथ फरहान मलगानी, वक्त न्यूज, मुल्तान। खुशाब में अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से सानिहा कोयटा के शोहदा के एहसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। एएनपी सेक्रेटरीट खुशाब में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पार्टी के मुकामी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए अवामी नेशनल पार्टी पंजाब के सीनियर नायब सदर हाजी उमर खान का कहना था कि आज दहशतगर्दी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है। उनका कहना था कि सानिहा कोयटा में जाँबाहक होने वाले वकला और सहाफी मुल्क और कौम का कीमती सरमाया थे, जिनको दहशतगर्दों ने अपनी बर्बरियत का निशाना बना डाला। जिला खुशाब के पंजाब की अवामी नेशनल पार्टी है वो बजूर मजम्मत कर रहा है के खुदा के लिए अभी जागो आइंदा इससे कितना और हमारे लाश उठाए। हुकूमत से ये हमने रिक्वेस्ट की और बार बार इसी हम कहते हैं कि नेशन एक्शन प्लान पे जो इन्होंने बैठ के फैसले किया था उस पर काम नहीं हो रहा। उनका मजीद कहना था कि बाजा खान ने जनरल जियाउल हक को अफगानिस्तान जंग में हिस्सा न लेने का मशवरा दिया था। अगर वो बाजा खान की बात मान लेते तो मुल्क इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में न होता। इस मौका पर सानिहा कोयटा में शहीद होने वाले सहाफियों और वकला के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी और खुसूसी दुआ की गयी। मलिका कोहसार में मरी आर्ट्स काउंसिल के जेर एहतमाम जश्न आज़ादी की जारी तकरीबात अख्ताम पजीर हो गई। आखिरी रोज रंगारंग म्यूजिकल प्रोग्राम भी पेश किया गया। मलिका कोहसार मरी में मरी आर्ट्स काउंसिल की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला युगम अगस्त से शुरू हो गया। आखिरी रोज मरी आर्ट काउंसिल के जेर एहतमाम पूरा दिन रंगारंग प्रोग्राम पेश किया गया। तकरीब में मारूफ गुलकारों ने मिली नगमे और आरिफाना कलाम भी पेश किया। बच्चों के लिए पुतली तमाशा और मैजिक शो समेत दीगर रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए। इस मौके पर शुरका का कहना था कि आज़ादी की कदरों कीमत गुलाम कौमें ही जान सकती हैं, ऐसे में हमें अपनी आज़ादी की कद्र करनी चाहिए। भावलपुर में जश्न आज़ादी के हवाले से ज़िले इंतजामिया और सियासतदानों के दरमियान फुटबॉल दोस्ताना मैच खेला गया। ज़िले इंतजामिया ने एक के मुकाबले में 2 गोल करके मैदान मार लिया। भावलपुर सादिका पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में डिविजनल ज़िले इंतजामिया और पार्लियामेंटेरियन के दरमियान दोस्ताना फुटबॉल मैच खेला गया, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से जीत लिया। एडमिनिस्ट्रेशन की टीम की तरफ से कमिश्नर भावलपुर डिवीजन साकिब जफर ने मैच के पहले हाफ में गोल किया, जबकि पार्लियामेंटेरियन की टीम की जानिब से सेंटर सऊद मजीद ने 1 गोल किया। मैच के दूसरे हाफ में एडमिनिस्ट्रेशन की टीम के खिलाड़ी ने 2रा गोल करके मैच में फतह दिला दी। मैच के दौरान सियासतदान कलाबाजियां खाते रहे और एक दूसरे को धक्के भी देते रहे। शायकीन की बड़ी तादाद ने मैच देखा और खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। एक माह गुजर गया, सखर में पसंद की शादी करने वाला नौजवान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारा हाल बाजियाब नहीं हो सका। मुगवी की बीवी ने रिश्तेदारों के हमराह एहतजाजी मुजाहरा भी किया। सकर के नवाही इलाके के रिहायशी नौजवान खालिद ने डेढ़ माह कबल पसंद की शादी की थी, जिसे एक माह कबल मुसल्ला अफराद ने रात के अंधेरे में अगवा कर लिया था, जिसे ताहाल बाजियाब नहीं कराया जा सका। मुगवी की बीवी ने रिश्तेदारों के हमराह सकर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुतासरा खातून का कहना था कि उन्होंने बाहमी रजामंदी से शादी की है, जिसका सबूत भी मौजूद है, लेकिन लड़के के घर वालों ने इस रिश्ते को कबूल नहीं किया, बल्कि इस पर घटिया इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। मुजाहरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेते हुए मुगवी की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया है। रानीपुर में सैकड़ों मर्द और खवातीन ने पुलिस के नारवा सलूक के खिलाफ नेशनल हाईवे ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। रानीपुर में सैकड़ों मर्द और खवातीन ने बच्चों के हमराह पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुश्तैल मुजाहरीन ने टायर जलाकर रोड भी ब्लॉक कर दिया, जिसके बाइस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। एहतजाजी खवातीन का कहना था कि रानीपुर पुलिस ने उनके मर्दों को बेगुनाह पकड़कर गायब कर दिया है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि SHO उनके मुखालिफिन से मिला हुआ है, कहीं वो पैसे लेकर झूठे मुकाबले में उनके मर्दों को मरवा ही ना दे। मुजाहरीन ने वजीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। पिंगरी और गिरदुनवा के इलाकों में गरीब बाशिंदों के घर तामीर कराने पर काम न होने वाले मुबैना फ्रॉड के खिलाफ सिंध कोहली इतिहाद की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पिंगरी पुलिस क्लब के बाहर सिंध कोहली इतिहाद की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया और धरना भी दिया गया। मुजाहरीन का कहना था कि एक मकामी तंजीम के सरबराह ने कोहली भेल और दीगर बरादरियों से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों बेघर और गरीब अफराद को पुख्ता घर तामीर कराकर देने के नाम पर लाखों रुपए का फ्रॉड किया है। उन्होंने कहा कि जालसाज ने घर तामीर कराने के ख्वाहिशमंद हर शख्स से 2000 रुपए फीकस वसूल किए, जो कि लाखों रुपए बनते हैं। उनका खदशा है कि जालसाज ने सिंध लोह अफराद को लूटा है। मुजाहरीन ने आला हुकाम से रकम वसूल करवाने और जालसाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। लाड़काना की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नामालूम अफराद आग लगाकर फरार हो गए। आतिशजदगी के बाइस तमाम रिकॉर्ड जलकर हाकिस्तर हो गया। पुलिस की जानिब से शुबा जाहिर किया जा रहा है कि आग जानबूझकर लगाई गई। लाड़काना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अकाउंट्स ऑफिस में नामालूम अफराद आग लगाकर फरार हो गए। आतिशजदगी के बाइस तमाम रिकॉर्ड्स देखते ही देखते जलकर हाकिस्तर हो गया। हस्ब रिवायत फायर ब्रिगेड का अमला भी ताखीर से पहुंचा, ताहम 3 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। उधर आतिशजदगी के बाइस 2008 से लेकर 2012 तक का तमाम रिकॉर्ड जल गया। अकाउंट ऑफिसर के मुताबिक नैब की जानिब से करोड़ों रुपए की करप्शन की जांच पड़ताल भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में जारी है। इस सिलसिले में 2008 से लेकर रवां साल तक मुलाजमीन की तनख्वाहों और तरक्याती कामों की तफसीलात का हिसाब भी नैब ने मांग रखा है। पुलिस की जानिब से शुबा जाहिर किया जा रहा है कि आग जानबूझकर लगाई गई, ताहम अकाउंट ऑफिसर का बयान कलम बंद करने के बाद मजीद तहकीकात की जाएंगी। वजीर आला सिंध के अहकामात को बल्दिया मीरपुर माथेलो ने हवा में उड़ा दिया। बारिश के बाइस शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा है। म्यूनसिपल मुलाजमीन की अपनी बस्ती भी पानी में डूब गई है। हालिया मूसलाधार बारिशों ने मीरपुर माथेलो का नक्शा ही तब्दील कर दिया। नाले बंद होने के बाइस शहर की गलियां, बाजार और मोहल्ले पानी से भर चुके हैं। गंदे पानी और गंदगी के ढेर लग चुके हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सख्ती से हदायत जारी की हैं कि बारिशों के फौरी बाद निकासी आपका निज़ाम दुरुस्त किया जाए, लेकिन मीरपुर माथेलो की म्यूनसिपल इंतजामिया ने वजीर आला के हुक्म को हवा में उड़ा दिया। नालों की सफाई ना होने के बाइस बारिशों और गटरों का पानी सड़कों पर तालाब की सूरत अख्तियार कर चुका है। आबी निकासी और बारिशों के गंदे पानी से खुद म्यूनसिपल का अमला निशाना बन गया है। आबी निकासी के कुओं के करीब बनाई गई हाक रोप के लिए भी बस्ती भी बारिश के पानी से डूब चुकी है। शहर में गंदगी और मुजरे सेहत पानी से बीमारियाँ फैलने लगी हैं और कई बच्चे जिल्द की बीमारी में मुबतला हो चुके हैं। सकर में पुलिस में भर्ती के लिए नौजवान के दरमियान दौड़ के मुकाबले हुए। मुकाबले में जेल से फरार होने वाले 2 मुलजिम भी शामिल निकले। उम्मीदवारों की निशानदेही पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सखर के इलाके आरायपट के करीब पुलिस में भर्ती के लिए 100 से जायद उम्मीदवारों में दौड़ के मुकाबले हुए। जो ही दौड़ शुरू हुई, कुछ दूर जाकर उम्मीदवारों ने शोर मचाया कि उनमें 2 मफरूर कैदी भी शामिल हैं, जिन्हें कुछ अरसा कबल मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दौड़ के दौरान मुतअद्दिद नौजवान गिरते और बेहोश होते रहे, जिन्हें पुलिस की जानिब से तिब्बी इमदाद दी गयी। इस दौरान उम्मीदवार अल्लाह अकबर के नारे भी लगाते रहे।
लाड़काना में पुलिस कांस्टेबल की असामियों पर भर्तियों के लिए दौर टेस्ट में बेजाब्ती पर उम्मीदवार सरापा एहतजाज बन गए। लाड़काना में पीटीएस में पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों के लिए उम्मीदवारों का जिस्मानी टेस्ट लिया गया। इस दौरान दौर टेस्ट में बदनज़मी, उम्मीदवारों को टोकन जारी करने के बाद ग्राउंड से बाहर करने की शिकायत पर पुलिस ने मुतअद्दिद उम्मीदवारों पर लाठियां बरसाईं, जिससे मुतअद्दिद उम्मीदवार शदीद जख्मी हो गए। उम्मीदवार पुलिस के नारवा सलूक के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने लाड़काना विगन रोड पर ब्लॉक कर दी, जिससे ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासर हुआ। दूसरी जानिब एसएपी ने लाठी चार्ज भी कर तरदीद कर दी है। इंतखाबात के सिलसिले में पीटीआई की जानिब से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली में कसीर तादाद में कारकुनों और शहरियों ने शिरकत की। जैकबाबाद में 20 अगस्त को होने वाले पीएस 14 के जिमनी इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन मुहिम जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। नामजद उम्मीदवार राजा खान जकरानी और पीटीआई के रहनुमा खालिद खान जकरानी ने रैली की कयादत की। रैली जकरानी हाउस से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई वापस जकरानी हाउस पहुंचकर अहतमाम पजीर हो गई। शुरका ने हाथों में कौमी परचम समेत पार्टी के झंडे भी उठा रखे थे। रहनुमाओं का कहना था कि आज इस रैली में शरीक आवाम को देखकर मुखालिफीन बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। उनका कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि 20 अगस्त को होने वाले इंतखाबात में फतह उन्हीं की होगी। हैदराबाद का होनहार तालिब इल्म हारून बलोच, जिसने दुनिया की सबसे छोटी साइकिल बनाकर सबको हैरान कर दिया। हारून का कहना है कि साइकिल बनाते और चलाते वक्त कई बार जख्मी भी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। यह है हैदराबाद का रिहायशी 8वीं जमात का तालिब इल्म हारून बलोच, जिसने अपनी महारत और मेहनत से दुनिया की सबसे छोटी साइकिल बनाई और किया सबको हैरान। हारून का कहना है कि साइकिल बनाते वक्त कई बार तनकीद का सामना करना पड़ा, किसी ने मजाक उड़ाया तो किसी ने इसे वक्त का ज़िया करार दिया। हारून ने बताया कि उसकी बनाई हुई साइकिल का साइज 3 इंच है। साइकिल बनाते वक्त कई बार हाथ भी जख्मी हुए, लेकिन फिर भी काम जारी रखा। हारून बलोच ने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। नित नई चीजें ईजाद करना और कुछ अलग करना उसका पसंदीदा मशगला है। हारून का कहना है कि मुल्क भर में टैलेंट मौजूद है, जरूरत इस समय की है कि इसे उजागर किया जाए और ऐसे अफराद की हौसला अफजाई की जाए। पाकिस्तान में टैलेंट की वाकई कोई कमी नहीं है। अब शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से खबरें। मानसहरा में सयाहों की कार खाई में गिरने से गैर मुल्की खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मानसहरा में हाकी पुल के करीब पेश आने वाले हादसे में सयाहों की कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और मकामी अफराद की मदद से लाशों को गाड़ी से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी खाई में गिरने से मरने वाले 4 अफराद में एक गैर मुल्की खातून भी शामिल है। हादसे में जाँ बहक होने वाले 3 अफराद की लाशों को जरूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दिया गया है। गैर मुल्की खातून को शनाख्त की कोशिश भी की जा रही है। संगदिली और लालच की इंतहा हो गई है। पेशावर में मियां बीवी ने अपनी बेटी को 1 लाख रुपए के अवैध भेज डाला। पुलिस ने जोड़े को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात खालिद रहमान की इस रिपोर्ट में। पेशावर में पुलिस ने 2 रोज कबल बच्चों के अगवा और फरोख्त में मुलविस ग्रोह के 6 खवातीन समेत 9 अफराद को गिरफ्तार किया था। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि कुछ वालदेन ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को पैसों के एवज भेजते हैं। इस निशानदेही पर पुलिस ने कार्रवाई की और मुलजमान से बाजियाब कराई गई बच्ची के वालदेन को गिरफ्तार किया, जिनसे 90,000 रुपए भी बरामद हुए। इंटरोगेशन के दौरान बच्चा जिस वालदेन का था उसका भी सुराग मिल गया। अब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो वालिदैन भी गिरफ्तार किए। जो रकम इस बच्ची की सर की कीमत है और उसको अदा की गई है और उसके पास थी तो उसने हमें हैंड ओवर किया है। गिरफ्तार मियां बीवी का कहना था कि उन्होंने बच्ची को फरोख्त नहीं किया बल्कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनके हवाले किया था। पता नहीं था कि बच्ची को घिनौने कारोबार में मुलविस अफराद के हवाले किया है। जो वो आ गया तो हमारे को मेहनत किए इस तरह हमने तो अपने बच्ची दिए, लेकिन पैसों का बात नहीं हुए हमारे साथ।
जो दिया था तो वो वैसे मैं अपने दिल से वही आपको देता हूँ। पुलिस ने मियां बीवी को अदालत में पेश कर दिया है, जबकि अदालत ने दीगर नौ मुलजमान को एतराफी जुर्म के बाद जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ खालिदुर रहमान, वक्त न्यूज़ पेशावर। नौशहरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर खवातीन की वीडियोस अपलोड करने और उन्हें ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। डीपीओ नौशहरा वाहिद महमूद के मुताबिक खवातीन को ब्लैकमेल करने वाले गिरफ्तार मुलजिम मेहरानुल्ला का ताल्लुक नौशहरा के इलाके रिसालपुर से है। मुलजिम काफी अरसे से खवातीन की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके उन्हें ब्लैकमेल करता था। मुलजिम ने जाली आईडीज भी बना रखी थी। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फोन, नशावर अशिया और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान पेशावर से ताल्लुक रखने वाले 15 दीगर साथियों के नाम भी बताए हैं। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। शामिल करेंगे बलोचिस्तान से खबरें। जाफराबाद के गैर सरकारी स्कूल में सानिहा कोयटा के शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। जाफराबाद के प्राइवेट स्कूल में मुनक़दा तकरीब में असातिज़ा और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कुरान ख्वानी की गई और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए खसूसी दुआएं भी मांगी गईं। इस मौके पर जख्मियों की सेहतियाबी के लिए भी दुआ की गई। तकरीब में बच्चों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। असातिज़ा और तुलबा तालिबात का कहना था कि दुश्मन ने उनके कानून पर हमला करके उनके हौसले कमज़ोर करने की कोशिश की है, लेकिन वो दुश्मन को बता देना चाहते हैं कि वो जिंदा कौम है और मुल्क की बका और सलामती के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। जाफराबाद में सानिहा कोयटा में जाँबहक अफराद के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया और दुआए मगफरत भी की गई। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद जावेद अनवर समेत ज़िले इंतजामिया के अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर कोयटा सानिहा में जाँबहक अफराद के लिए बुलंद दर्जात और मगफरत के लिए खसूसी दुआ की गई। इस मौके पर उनका कहना था कि सानिहा कोयटा की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि सानिहा ने पूरे मुल्क को एक बार फिर हिला कर रख दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क व मिल्लत की सलामती सबको अजीज है और दहशतगर्द जहां भी होंगे उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर के दफ्तर समेत मुतअद्दिद सरकारी दफातर के इतराफ में खड़ा बारिश का पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। सोहबतपुर में गुज़श्ता हफ्ते होने वाली बारिश का पानी ताहाल डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर और महकमा तालीम समेत दीगर सरकारी दफातर के बाहर खड़ा है, जिसने न सिर्फ मुलाजमीन बल्कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साइलिंग को भी मुतासर किया है। शहरियों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से एक हफ्ता गुजरने के बावजूद बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका तो फिर गरीब आवाम का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक अगर मजीद बारिश हुई तो इंतजामिया की नाअहली के सबब सैलाब का खतरा पेश होगा, जिससे सरकारी दफातर में मौजूद सरकारी रिकॉर्ड पानी का नजर होने का भी अंदेशा है। सोहबतपुर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अकबर खान कोसो की इमारत महकमा तालीम की अदम तवज्जुही के बायस खंडरात का मंजर पेश करने लगी है। सोहबतपुर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अकबर खान कोसो की 28 साल पुरानी इमारत महकमा तालीम की लापरवाही की वजह से खंडरात का मंजर पेश कर रही है। कमरों में लगी खिड़कियों के शीशे और मेन गेट टूट चुके हैं। कमरों में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर तक भी नहीं है। बिजली के लिए लगाए गए स्विच बोर्ड्स भी गायब हैं। स्कूल की बोसीदा इमारत में असातिज़ा दूर दराज से आने वाले तलबाओं को तालीम के जेवर से आरास्ता तो कर रहे हैं, लेकिन किसी भी वक्त बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि आला हुकाम को मुतअद्दिद बार आगाह कर चुके हैं, लेकिन ताहाल स्कूल की हालत इज़ार को बेहतर बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। अहले इलाका का कहना था कि पढ़ो पाकिस्तान, बढ़ो पाकिस्तान और हर बच्चा स्कूल में चलने वाली मुहिम सिर्फ फाइलों और फोटो सेशन तक महदूद है। कराची से खैबर तक का अहवाल आपने जाना। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए वक्त न्यूज़।